नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल वाईफाई ज्ञान में। दोस्तों, 28 अक्टूबर 2023 को हमारे भारत देश में साल 2023 का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण लग रहा है। दोस्तों बता दें कि हमारे भारत देश के अलावा ऐसे 8 देश और है जहां पर यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, उसके नाम हम आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों, यह ऐसा पहली बार हो रहा है जो कि हमारे भारत देश में यह चंद्र ग्रहण पूर्ण रूप से दिखाई देगा। तो आइए, इस चंद्र ग्रहण का सही समय सूतक क्या होगा इसके बारे में हम आपको बताएंगे। यानी कि आज इस वीडियो के अंदर हम आपको चंद्र ग्रहण के बारे में जो कुछ जानकारी आई है इसके बारे में एकदम कांच की तरह क्लियरली समझाएंगे। तो अगर आप भी 28 अक्टूबर 2023 के लगने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। दोस्तों बता दें कि 28 अक्टूबर की रात 1:06 पर यह चंद्र ग्रहण शुरू होगा और उसी देर रात 2:22 पर यह चंद्र ग्रहण समाप्त होगा। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर के इस चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 1:19 तक रहेगी। दोस्तों बता दें कि यह चंद्र ग्रहण हमारे भारत देश के अलावा पश्चिम प्रशांत महासागर, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और साथ ही साथ एशिया, अफ्रीका और इतना ही नहीं दोस्तों बल्कि दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी पूर्वी और साथ ही साथ अटलांटिक हिंद महासागर और साथ ही साथ दोस्तों अंटार्कटिका और दक्षिण प्रशांत महासागर में यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। दोस्तों सबसे खास बात यह है कि यह चंद्र ग्रहण हमारे भारत देश में पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और इसके साथ ही साथ यह चंद्र ग्रहण 1500 साल बाद दिखाई दे रहा है। और दोस्तों बता दें कि एक बात आपको और ध्यान में रखना है कि जब से यह चंद्र ग्रहण शुरू होगा यानी कि 28 अक्टूबर की रात को 1:06 पर यह चंद्र ग्रहण शुरू होगा, उसके ठीक दोस्तों 9 घंटे पहले ही इसका सूतक काल लग जाएगा। यानी कि रात को यह चंद्र ग्रहण 1 बजे लगेगा तो लगभग शाम को 5 बजे से ही इसका सूतक काल लग जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी ध्यान देने वाली बात है कि इसका सूतक काल 5 बजे शाम को ही लग जाएगा। इस दौरान आपको घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इस चंद्र ग्रहण के दौरान आपको क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या चीजें नहीं करनी है। तो जब से यह चंद्र ग्रहण शुरू हो जाएगा तब से आपको कोई भी देवी देवताओं का पूजा पाठ नहीं करना है, ना ही आपको मंदिर का द्वार खोलना है। इसके अलावा दोस्तों आपके घर में कोई भी खाने पीने की चीज हो गई उनको हाथ नहीं लगाना है और साथ ही साथ आपके घर में कोई भी चाकू, छुरी, छेनी, हथौड़ी, नुकीली धार वाली चीज हो गई, इन सभी चीजों को भी आपको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। और इस चंद्र ग्रहण के दौरान अगर आपके घर में कोई भी गर्भवती महिलाएं हैं तो उनको इस चंद्र ग्रहण के दौरान घर से बाहर बिल्कुल भी न निकलने दीजिएगा। और साथ ही साथ आपके घर में कोई भी 65 से 70 साल के ऊपर उम्र वाले व्यक्ति हैं तो उनको भी आप अपने घर से बाहर बिल्कुल भी न निकलने दीजिएगा। और दोस्तों जैसे यह चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगा तो तुरंत स्नान करने के बाद अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य कर दीजिएगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद आप गरीबों में कोई भी खाने पीने की चीज दान कर सकते हैं और ऐसा करने से आपके घर में हमेशा लक्ष्मी बरकरार रहेगी। तो चलिए अब जान लेते हैं दोस्तों कि यह चंद्र ग्रहण हमारे भारत के किन किन राज्यों में दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स बता दें कि यह चंद्र ग्रहण हमारे नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और साथ ही साथ अहमदाबाद, कोलकाता और उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। यानी कि हमारे भारत के ऐसे 7 राज्य हैं जहां पर यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा और बाकी राज्यों में यह चंद्र ग्रहण पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देगा। लेकिन हमारे भारत देश में यह ऐसा चंद्र ग्रहण लग रहा है जो कि हमारे भारत देश में एकदम पूर्ण चंद्र ग्रहण वो भी शरद पूर्णिमा के दिन लग रहा है। तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। और सबसे खास बात यह है कि इसका सूतक काल 9 घंटा पहले यानी कि 5 बजे शाम को लग जाएगा। तो आई होप आपको चंद्र ग्रहण के बारे में सारी कुछ जानकारी मिल गई होगी। अगर आप अब भी कुछ चंद्र ग्रहण के बारे में कोई भी सवाल या जवाब करना चाहती हैं तो आप हमसे इसी वीडियो के नीचे सीधा कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी खबर के साथ मिलते हैं एक और वीडियो में। चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि हम आगे चंद्र ग्रहण को लेकर के कोई भी खबर और जानकारी अपलोड करते रहेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में एक और नई जानकारी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।